अरे, ये लड़की है कि बवंडर है? है? लड़कियों जैसे लक्षण ही नहीं है इसमें। न चूल्हे से मतलब है, न चौके से मतलब है। सुबह होते ही इसकी खिकी 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 शुरू हो जाती है। पता नहीं कहाँ होगा इस लड़की का। और बुरा मत मानना बेटा, तुम दोनों भाइयों ने ही इस लड़की को बिगाड़ के रखा हुआ है। घर में नौकर चाकर है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं सीखेगी। काम तो सीखना पड़ेगा ना, है? कल को ब्याह करके जिस घर जाएगी वहां नहीं हुआ तो ये सब फिर कहाँ होगा? बहन को इतना बिगाड़ते नहीं है, समझे? आज यहां नौकर चाकर है, बड़े घर में जन्मी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ससुराल भी उसे बड़ा मिलेगा। नहीं मिला तो? और बेटा, शादी ब्याह ये सब नसीब से होता है, पैसों से नहीं। आई बात समझ में? तो चूल्हा चौका काम तो सीखना पड़ेगा। और तुम दोनों हो, कहाँ सुनोगे? मेरी सुनते ही नहीं हो। ससुराल में सास कड़क मिल गई ना, है टेढ़ी, फिर क्या होगा? बंद करके रख देगी कोठरी में। काम तो आना जरूरी है, ऊपर से तुम दोनों फुटबॉल सिखाने की क्या जरूरत है? सर पे चढ़ा के रखा है बहन को। सुबह होते ही स्कूल भाग जाती है, या तो कविता के घर भाग जाती है। पूरे गांव में आवारागर्दी फिरती रहती है। और नहीं तो का गांव वाले का कहेंगे? हैं? एक 10 दिन हमका दे दो, हम उसको बराबर सब कुछ सिखा देंगे, तौर तरीका सब कुछ। आखिरकार एक माँ ही सब कुछ सिखा सकती है कि नहीं? है? हमरी कौन सुनेगा, कहाँ होगा? और अगर बात समझ में नहीं आती है ना, तो समझने की कोशिश करो। कल को अगर कुछ ऊंच नीच हो गई है तो दही ले लो करके दही खट्टी हो गई तो कोई दही नहीं लेगा। कुछ बात समझ में ही नहीं आती। बात समझ में आए तो ठीक है, वरना जो मन में आता है, जो ठीक लगता है, वो करो। हम का काम, हम तो बोलते रहते हैं, चलो बहुत काम पड़ा है।